हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर। क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर। देखो भाई, टॉपिक क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर। ये क्या है कि देखो, जैसे पूरी दुनिया है ना, जैसे हम मान लो इंडिया में बैठे हैं, ठीक है, इंडिया में बैठे हैं, और जैसे एक अलग कंट्री हम मान लीजिए यूके मान लिया हमने, ठीक है। इंडिया से आपको कुछ कपड़ा भेजना है, कुछ क्लोथ भेजना है, ठीक है, कुछ क्लोथ भेजना है, और आपके पास एक मीटर स्केल है, ठीक है, और उनके पास भी एक मीटर स्केल है, है ना। अब हमारा जो मीटर स्केल है, मान लीजिए उसका जो लेंथ है वो है 1 मीटर से थोड़ा कम, ठीक है, लेस देन 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर से थोड़ा कम है, मान लीजिए 0.9 मीटर का है, ठीक है। उनके पास जो लेंथ स्केल है उनका है 1.1 मीटर, ठीक है। अब हमने मान लीजिए 1000 मीटर कपड़ा भेजा, ठीक है, हमारी तरफ से तो वो 1000 हो गया, लेकिन उनकी तरफ से वो तो भैया कम रह जाएगा। अब इससे तो हमारा भाई लड़ाई हो जाएगा ना, कि भैया आपने हमें कम क्यों भेजा। तो इसके लिए हमने क्या करना था कि एक स्टैंडर्ड मीटर बना दो भाई, कि वो क्या हो, सभी कंट्रीज में एक एक जैसा हो, कि मतलब कोई भी दो पॉइंट हो, कोई भी आप एक रोड लो, ठीक है, उसके कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हो वो इक्वल हो, मतलब जो डिस्टेंस हो उसको आप 1 मीटर बोल दो, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, मीटर का स्टैंडर्डाइजेशन। और वो किसके थ्रू हुआ, थ्रू बोले या फिर किसकी हेल्प से हुआ, वो कह सकते हो आप, मतलब किसकी टर्म में हम मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी वेवलेंथ, ठीक है, उसकी टर्म्स में ये जो 1 मीटर है वो मेजर किया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर, ठीक है। मीटर का स्टैंडर्डाइजेशन करने का मतलब आपको समझ आ गया कि क्यों किया, क्योंकि देखो ये इतना बड़ा मुद्दा है, ठीक है, उस वजह से हमने क्या किया, मीटर को स्टैंडर्डाइज किया, और किसके टर्म में, लाइट की वेवलेंथ के टर्म में, ठीक है। इसी को हम जानेंगे कैसे किया हमने, प्रोसेस क्या है। लेकिन भैया सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर आना चाहिए, वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है। उसके अलावा आपको वो भी आना चाहिए कि डिटरमिनेशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। एक हमने देखो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसका वेवलेंथ कैसे डिटरमाइन किया जाए, और हमने ये भी डिस्कस किया था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो भाई देखो, अगर ये समझना है तो आपको ये दोनों आने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आते तो पहले जाके ये देखो, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, इस मीटर को हमने स्टैंडर्डाइज किया कैसे, ठीक है ना। ये तो इंटरेस्टिंग सा हो गया ना, कि मतलब कैसे स्टैंडर्डाइज किया। तो देखो, हम स्टैंडर्डाइज करेंगे यूज करके माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है, और इसी का जो वेवलेंथ का जो डिटरमिनेशन किया था उसका जो फॉर्मूला था उसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं इसके लिए हमने क्या किया। इसके लिए हमने यूज किए 9 एटलॉन्स, ठीक है। पहली बात, एटलॉन क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं एटलॉन क्या होते हैं। कोई भी दो मिरर लिए हमने, ठीक है, कोई भी दो पैरेलल मिरर लिए, ठीक है, क्या लिए, पैरेलल मिरर लिए, उनके बीच का जो डिस्टेंस है एल, वो हम किसी तरह से फिक्स कर दिया, ठीक है, हमने किसी भी तरह से क्या कर दिया, उसका लेंथ है वो फिक्स कर दिया, है ना। और दो क्या है, रिफ्लेक्टिंग मिरर है, बहुत ज्यादा हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है, वो क्या है, फिक्स है, है ना। आप उसको वैसे वेरी कर सकते हो, लेकिन वो जो एल है वो क्या लिया जाता है, फिक्स लिया जाता है, ठीक है। ये होता है एटलॉन, ठीक है, पहली बात हुई एटलॉन की।
दूसरी बात क्या है, हम 9 एटलोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाला जो एटलोन है उसके बाद जो दूसरा एटलोन है उसकी जो लेंथ है, मान लीजिए इस पहले लेंथ एटलोन की जो लेंथ है वो एल है, तो दूसरे एटलोन की लेंथ भी क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से जो तीसरा है उसकी 3L हो जाएगी, फोर्थ है उसकी 4L हो जाएगी, और जो लास्ट वाला एटलोन है, जो 9th एटलोन है, उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हमने क्या ली स्टैंडर्ड, वो ली 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वो क्या ली हमने, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो एटलोन है वो क्या है, मीटर का क्या है, सब स्टैंडर्ड है। मीटर का क्या है, ये जो एटलोन है वो क्या है, हमने मीटर का एक सब स्टैंडर्ड ले लिया, ठीक है। पहली बात कि हमने मीटर का सब स्टैंडर्ड ले लिया, क्योंकि हमें कोई तो आधार चाहिए, उसी आधार के ऊपर हम उसको एक्सटेंड करते, है ना, यही तो चाहिए हमें, ठीक है। हाँ, ये बात हुई। तो इसकी जो लेंथ है, 9th जो एटलोन है उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर। देखो ये हम क्यों ले रहे हैं, ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या आ जाएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि हम ये नो क्यों ले रहे हैं ना। तो इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी ऊपर वाले की, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरीके से जो फर्स्ट एटलोन है उसकी लेंथ हो जाएगी 10/2 8 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, क्योंकि हम दो का ही तो डिवाइड कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट एटलोन है उसकी लेंथ ये हो जाएगी, और वो किसके इक्वल थी, 0.039025 इसके इक्वल है। ये मैं लिख देता हूं मीटर के, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है, इतने सेंटीमीटर है। इतनी बात हुई है। अब देखो हम ये कैसे करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एटलोन लेंगे, ध्यान देना भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम क्या लेंगे, एक एटलोन लेंगे, उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेवलेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। एक एटलोन में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है हमने ये निकालना है। वो कैसे निकलेगा, वेवलेंथ है उसकी भी यूनिट किस में, मीटर में है। लेंथ है उसकी भी यूनिट किस में, मीटर में। तो अगर हमारा L इक्वल्स टू n लैम्डा आ जाए, ठीक है, L इक्वल्स टू n लैम्डा आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, इस L के अंदर इतने लैम्डा हैं, यही तो बोलते हैं। जैसे मान लो आपका 34 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 17 आ जाए, तो अब क्या बोलते हो, इस 34 में कितने 17 है, 2 17 है, यही तो बोलते हो। इस 34 में कितने 17 है, 2 17 है। या फिर कह दो कि आपके पास 1 मीटर का कुछ स्केल है, ठीक है, 1 मीटर का स्केल है, और उसके अंदर आप कुछ 100 क्या रखते हो, 100 क्या रखते हो, छोटे छोटे पीस रखते हो किसी के भी, ठीक है, कोई भी आपका ग्लास प्लेट का पीस है, ठीक है, आप छोटे छोटे 100 पीस रखते हो, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 इंटू वो पीस, उनका लेंथ एल है, यही तो करोगे। तो आप क्या बोलोगे, इस 100 में कितने पीस है, 100 पीस है, सही है ना, यही तो करेंगे। इस तो हर एक का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो यही तो बता सकते हैं हम कि इस पूरे लेंथ में कितने छोटे छोटे पीस है, 100 पीस है, ठीक है। वैसे ही अगर आपका L इक्वल टू n लैम्डा आ जाए, तो हम ये बता देंगे इस L लेंथ में कितने वेवलेंथ है, सही है ना, हमें फाइनली ये फॉर्मूला चाहिए। तो उससे हम क्या बता देंगे, पहला जो एटलोन लेंगे उसमें कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है, मतलब कितने वेवलेंथ है, हमारा जो मेन पर्पज है वो यही है एक एटलोन में। फिर हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट एटलोन को सेकेंड एटलोन के साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट एटलोन है, मान लीजिए फर्स्ट है आपका, इतना उसका लेंथ है L, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम सेकेंड एटलोन के साथ कंपेयर करेंगे जिसका लेंथ क्या है, 2L है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ निकाल लेंगे, मान लीजिए इसमें n1 लैम्डा है, तो इसमें n2 लैम्डा हो जाएगा। वैसे इसको थर्ड के साथ कंपेयर कर लेंगे, फिर करते करते हम 9 के पास पहुंच जाएंगे, जिसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या पता चल जाएगा, जो फाइनल वाला एटलोन है उसके अंदर नंबर ऑफ वेवलेंथ पता चल जाएगी, ठीक है, ये हमारा मेन टास्क है। तो भैया अब हम इसी को ही करते हैं, किसका यूज करके, ठीक है, हम यूज करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम करते हैं एक सोर्स लेते हैं, ठीक है, एक सोर्स ले लिया, उससे क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है, वहां पर क्या लगा दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, वो क्या कर देता है, लाइट को प्लेन पैरेलल बना देता है, ठीक है, ये मान लीजिए वो लाइट है, वो क्या करती है,
एक कोई भी आपका ग्लास प्लेट है उसके ऊपर इंसिडेंट होगी, ठीक है। आगे हम एक और ग्लास प्लेट लेते हैं, ठीक है, चलिए हाँ आगे क्या लेते हैं, हम एक और ग्लास प्लेट लेते हैं, लेकिन इस केस में हम वो ग्लास प्लेट यहां नहीं लेंगे, वो हम आगे लेंगे, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ, काफी मतलब बड़ा हो जाएगा थोड़ा। चलिए हम शुरू करते हैं, यहां से हम क्या ले लेते हैं, एक सोर्स ले लेते हैं, एक मोनोक्रोम एक लाइट का सोर्स ले लेते हैं, ठीक है, उससे रेज आएंगी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे, उससे हम क्या कर लेंगे, उसको पैरेलल ले लेंगे, ठीक है, जो रेज क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी। उसके बाद क्या लेते हैं, हम एक ग्लास प्लेट लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक 45 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, और वो क्या है, हाफ सिल्वर्ड है, वही काम है भाई माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। उसके बाद हम एक और ग्लास प्लेट लेते हैं और यहां पर एक मिरर लेते हैं, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, हम मिरर यहां नहीं लेंगे, हम मिरर यहां लेंगे, ठीक है, हम मिरर कुछ यहां लेंगे, यहां ऊपर, ठीक है। वो कैसे लेंगे, मान लीजिए यहां से रे आई, ठीक है, ये रे आई, ये रे क्या हो जाएगी, यहां से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, एक पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और एक पार्ट क्या हो जाएगा उसका, उसका हो जाएगा मान लीजिए यहां से ट्रांसमिट, ठीक है। वैसे ही एक और रे आई, ठीक है, यहां से, और उसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से उसका हो जाएगा रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा उसका रिफ्रैक्ट, ठीक है, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा रिफ्रैक्ट। अब हम क्या करते हैं, यहां ग्लास प्लेट लगानी है, लेकिन ग्लास प्लेट यहां नहीं लगाएंगे, वो हम कहीं और लगाएंगे, यहां हम लगाते एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा दिया हमने एम, ठीक है भैया, ये लगा दिया, यहां से क्या हो जाएगी, वो ही रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम हमारी वो ग्लास प्लेट लगा देंगे, ठीक है, जो क्या थी, एक कंपनसिएटिंग प्लेट थी, ठीक है, वो प्लेट लगा दी हमने, हाँ। अब हम क्या करते हैं, इसी से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, यहां से भी सॉरी ट्रांसमिट हो जाएगी, है ना। अब देखो भाई, अब इंटरेस्टिंग आ रहा है, यहां हम हमारा वही मिरर M1 लगाएंगे, ठीक है, यहां हम हमारा वही मिरर लगाएंगे M, ठीक है, M1, ठीक है भाई। अब देखो यहां कौन सा मिरर लगाएंगे, यहां हम एक और मिरर, चलिए मिरर नहीं लगेगा यहां पर, वेल चलिए, यहां हमने मिरर M1 लगाया, ये जो दोनों रे आ रही है ये क्या होंगी, इसके यहां तक आएंगी सरफेस तक, ठीक है, और क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके वापस यहां आएगी, और यहां पर हम टेलीस्कोप से उसको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। यहां क्या लगाया आपका, टेलीस्कोप लगाया, देखो ये रे आ रही है, यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, ये कंपनसिएटिंग प्लेट है, यहां क्या लगना है, यहां एक मिरर लगना है, लेकिन यहां हम मिरर नहीं लगाएंगे, यहां हम क्या यूज करेंगे, दो एटलॉन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दो एटलॉन। तो मान लीजिए कि फर्स्ट एटलॉन आपका यहां हो गया, ठीक है, उसका लेंथ हमने ले लिया ये वाला एल, ठीक है, वैसे ही जो सेकेंड एटलॉन है उसका लेंथ क्या होगा, इसका डबल, तो वो कुछ यहां होगा, ठीक है, वो कुछ यहां होगा, ठीक है, और वैसे ही ये हो गया, इतना काम हुआ, इसका पोजीशन M1 है, और वैसे ही इसका पोजीशन ये स्मॉल M1 है, और इसका हमने बोल दिया M2, इसका बोल दिया M3, और ये हो गया आपका M4, ये क्या है, एटलॉन है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्टेड है, मतलब रिजिड है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, इनके याद रखना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, हाँ, इतनी बात हुई है। अब देखो, अब इस स्टोरी को समझते हैं, सबसे पहले क्या होगा, यहां से रे आएगी, ठीक है, वो क्या होगा, हाफ तो पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और हाफ क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, जो जो पार्ट यहां पर आया है इंसिडेंट, वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और इस टेलीस्कोप के अंदर आ जाएगा, वैसे जो पार्ट यहां पर आया है वो पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस यहां आ जाएगा टेलीस्कोप तक, और यहां पर क्या मिलेगी, हमें फ्रिंजेस मिलेगी, ठीक है, यहां पर हमें फ्रिंजेस मिलेंगी कुछ इस तरह की, ठीक है, कुछ इस तरह की, हाँ। अगर इसको व्हाइट लाइट से रिप्लेस करते हैं तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है आपका फर्स्ट एटलॉन, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ का, ये है आपका सेकंड, जिसका लेंथ इसका डबल है,
ठीक है, इसी तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, व्हाइट लाइट, याद रखना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम क्या यूज करेंगे, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट यूज करके हम क्या करेंगे, ये प्लेन, ये जितने भी तीन मिरर है M1, ये स्मॉल M1 और ये M3, इनको क्या कर देंगे, हम कोप्लेनर कर देंगे। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में, ठीक है, एक ही प्लेन में, सही है। तो एक ही प्लेन में होंगे, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल, ये वाली डिस्टेंस भी इक्वल, ये वाली डिस्टेंस भी इक्वल। तो यहां पर क्या बनेगी, सेंट्रल आपकी बनेगी, सेंट्रल एक्रोमेटिक ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। जैसे ही आपकी जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन जाती है, तो हम ये मान लेते हैं कि क्या बन गया, इन तीनों के बीच का जो लेंथ है, ठीक है, चाहे M1 के बीच का हो, इस स्मॉल और इसके बीच का, वो लेंथ क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब ये क्या बन गए, कोप्लेनर हो गए, सही है। हाँ, इतनी बात हुई है। फिर हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा, M1, स्मॉल M1 और M3, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके कोप्लेनर, ठीक है। सेकंड स्टेप हम क्या यूज करेंगे, यहां इस सोर्स के अंदर कैडमियम रेड लाइट, क्या यूज करेंगे, कैडमियम रेड लाइट, ठीक है। उसका कुछ वेवलेंथ है, ठीक है, उसका वेवलेंथ फिक्स होता है, ठीक है। देखो, वो यूज करके हम क्या करेंगे, यूज कर लिया, यहां पर हमारी कुछ इस तरह की फ्रिंजेस बन जाएंगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की हम लाइट यूज करते हैं, तो फ्रिंजेस इस तरह की बनती है ना। अब क्या करेंगे, इस मिरर M1 को इस मिरर M2 के पैरेलल लेके आएंगे, ठीक है, इस मिरर M1 को इस मिरर M2 के पैरेलल लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने कितना डिस्टेंस इसको इंक्रीज किया, L डिस्टेंस इंक्रीज किया, ठीक है, L डिस्टेंस हमने क्या किया, इंक्रीज किया। और ये L किसके इक्वल होगा, इस शॉर्टेस्ट एटलॉन की लेंथ के इक्वल, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको इंक्रीज किया, तो हम टेलीस्कोप में क्या पाएंगे, वो फ्रिंज क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। हम देखो, सबसे पहले हम वही तो करते हैं, देखो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जैसे आपका ये टेलीस्कोप है, ठीक है, हम इसको इस, देखो लाइट का वेवलेंथ मेजर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको किसी भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे रखते हैं, इसके फील्ड ऑफ व्यू को। फिर हम जैसे इस मिरर M1 को डिस्प्लेस करते हैं, इस मिरर M1 को डिस्प्लेस करते हैं, तब क्या होता है, ये आपका जो फ्रिंज है वो क्या होती है, इस तरह से डिस्प्लेस होती है, ठीक है। इस तरह से मान लो जी, सेंटर पे आपको ये दिख रहा है, तो इस तरह से डिस्प्लेस होती है, ठीक है, आपको डिस्प्लेस हुई दिखती है। तो क्या करती है, ये कुछ कुछ ब्राइट फ्रिंज क्रॉस करती है, ठीक है। जैसे ही हमने इस मिरर M1 को इस दूसरी पोजीशन M1 प्राइम के ऊपर लेके आए, तब क्या होता है, हमारे सेंट्रल फील्ड ऑफ व्यू से कुछ मिरर डिस्प्लेस हुई है, ठीक है। अब कितनी डिस्प्लेस हुई है, उसको हम बोल देते हैं N, डिस्प्लेस्ड फ्रिंज, कितनी डिस्प्लेस ब्राइट फ्रिंज, कितनी ब्राइट फ्रिंज डिस्प्लेस हुई है, उसको बोल देते हैं N, ठीक है भाई, बोल दिया हमने, है ना। ये N हमारे पास आ गया। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हमने देखा था जो X2 - X1 है, हम उसको जितना डिस्प्लेस करते हैं वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका M into λ/2, यही तो होता है M into λ/2। ये M क्या है, कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपके क्रॉस हुए, ठीक है। जब आप इसको मिरर M1 को M1 प्राइम पे लेके आ रहे थे, या फिर कह सकते हो X2, मतलब इसका पोजीशन आप चेंज कर रहे थे, इतना चेंज किया, तो कितने नंबर ऑफ फ्रिंज इसने क्रॉस किया, ठीक है, वो इसके इक्वल होता है ना, कितना नंबर ऑफ फ्रिंज क्रॉस किया, वो M होता है, ठीक है, इतनी बात हुई। इस केस में हमारा X2 - X1 क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, सही है। और ये क्या हो जाएगा, हम M को क्या कर देते हैं, N से रिप्लेस कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, λ/2, ठीक है। यहां से हमारा ये वाला रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस L को N/2 को हम क्या लिख देते हैं, N प्राइम लिख देते हैं, मान लीजिए। तो ये आ गया आपका N' λ, ठीक है। अब देखो, ये कौन सा रिलेशन है, ये वही रिलेशन है जो हम इस लेक्चर की शुरुआत में जानना चाहते थे। ये क्या बता रहा है कि इस लेंथ L के अंदर कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है, आ गया ना वही रिलेशन, हम यही तो जानना चाहते थे, इस लेंथ L में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है, तो वो आ गया आपका N' आ गया ना, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, इस फर्स्ट एटलॉन के अंदर कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है,
अब हम क्या करते हैं, इस देखो दो स्टेप होगी, अब तीसरी स्टेप पे चलते हैं। तीसरी स्टेप क्या बोलती है कि ये जो एटलॉन फर्स्ट है इसको हम क्या कर देते हैं, इतना लेंथ एल है, इतना ही लेंथ हम पीछे धकेल देते हैं इसको, ठीक है। इस फर्स्ट एटलॉन को हम पीछे धकेल देते हैं कितना, जितना इसका लेंथ है। तो इसका जो मिरर M2 का न्यू पोजीशन क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा M2 प्राइम बन जाएगा, ठीक है। वो M2 प्राइम किसके पैरेलल होगा, M4 के होगा ना, M2 प्राइम M4 के पैरेलल होगा। और अब क्या करते हैं, ये जो मिरर M1 प्राइम है, ठीक है, इस मिरर M1 की अब पोजीशन क्या है, M1 प्राइम, अब क्या करते हैं, इसको भी हम पीछे धकेलते हैं, कितना लेंथ, L लेंथ। तो इसका न्यू पोजीशन क्या बन जाएगा, मान लीजिए M1 डबल प्राइम बन जाएगा, ठीक है। तो हमने जितना डिस्प्लेस किया, ठीक है, उतने लेंथ में हम वापस क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ वेवलेंथ। मान लीजिए ये हम क्या बना देते हैं, N2, तो इसमें क्या बन जाएगा, N2 प्राइम इंटू लैम्डा, ठीक है। हमने क्या किया, जितना हमने पीछे धकेला वो क्या होगा, इस लेंथ के इक्वल, सही है। और उसमें क्या कर देते हैं, हम जो हमने पिछले में किया कितने नंबर ऑफ फ्रिंज कितना क्रॉस किया, वही किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइड बाय टू किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ वेवलेंथ उस लेंथ के अंदर। तो इसका मतलब हमने क्या किया, अब देखो अब ये सिनेरियो क्या बन चुका है, ये लेंथ किसके इक्वल हो गया, ये वाला जो लेंथ है ये क्या बन गया, ये बन गया आपका टू इंटू एल, ठीक है। ये वाला जो टोटल लेंथ कितना बन गया, टू इंटू एल, वो किसके इक्वल है, इस सेकेंड एटलॉन के लेंथ के इक्वल है, 2 into L। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट एटलॉन में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ है वो बता दिए, फिर हमने क्या किया, उतना ही पीछे इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो हमने क्या बता दिया, सेकेंड एटलॉन में बता दिया, ठीक है। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में हम क्या कर देते हैं, इस फर्स्ट एटलॉन को सेकेंड एटलॉन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, सेकेंड एटलॉन से रिप्लेस करेंगे, और यहां पर सेकेंड की जगह क्या लगा देंगे, हम थर्ड लगा देंगे। तो अब देखो इसका लेंथ क्या बन गया, इसका लेंथ बन गया 2L, और इसका लेंथ क्या बन जाएगा, इसका डबल, मतलब 4L, है ना, जो नेक्स्ट, और ऐसे कर करके हम नाइन्थ एटलॉन तक जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस से देखो सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके हम नाइन्थ एटलॉन तक जाएंगे, ठीक है। नाइन्थ एटलॉन की L इक्वल्स टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें नाइन्थ एटलॉन जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है उसमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ वेवलेंथ, क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ वेवलेंथ पता चल जाएगा, है ना। अब देखो भाई हमारा टास्क तो पूरा हो गया, हमने तो कर दिया भाई, क्या कर दिया कि जो एक लेंथ हमने फिक्स ले लिया जिसका लेंथ कितना बना दिया हमने 10 सेंटीमीटर, उस 10 सेंटीमीटर में हमने क्या बता दिए, नंबर ऑफ वेवलेंथ। अब हम क्या बता सकते हैं, 100 सेंटीमीटर में भी नंबर ऑफ वेवलेंथ बता सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या आता है, क्रोमियम सॉरी कैडमियम रेड लाइट के लिए, रेड लाइट के लिए जो हमारा वेवलेंथ आता है वो आता है 6438.4722 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये तो हमने मेजर किया है, उसके अलावा जो नंबर ऑफ वेवलेंथ है 1 मीटर के अंदर वो आ जाती है आपके 1,563.5 लैम्डा आर, इतना, ये बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, है ना। तो इतने नंबर ऑफ वेवलेंथ आ जाती है 1 मीटर के अंदर। हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर वाले मेजर कर लिया, वैसे ही हम क्या कर देते हैं उसको एक पॉइंट आगे खिसका दो, सीधी सी बात है, आपको अगर 100 सेंटीमीटर करना है तो, ठीक है। तो इस लास्ट एटलॉन की हेल्प से हमने क्या कर दिया, 1 मीटर जो लेंथ है उसके अंदर नंबर ऑफ वेवलेंथ हमने बता दिए। अब देखो भाई, अब हमारा एडवांटेज की बात करते हैं। इस ये जो हमने पूरा ही एक्सपेरिमेंट किया, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हमने 1 मीटर को क्या कर दिया, जो हमारा 1 मीटर स्केल है उसमें हमने नंबर ऑफ वेवलेंथ बता दी, ठीक है। देखो आप कोई भी आदमी झूठ बोल सकता है कि ये मेरा 1 मीटर है, ठीक है, कोई भी आदमी है वो आपका, मान लीजिए उसका जो लेंथ स्केल है वो 0.9 मीटर का है, वो आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ वेवलेंथ है वो झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है। ये नंबर ऑफ वेवलेंथ है वो हमेशा फिक्स रहेगी कि भाई आप
आपका अगर ये 1 मीटर है तो लाओ भी चेक करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ कितना है। तो आप वही है कैडमियम लाइट लीजिए और उसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ इतने आने चाहिए। अगर इतने आ रहे हैं इसका मतलब वो क्या है, 1 मीटर स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, ये इसका फायदा है। अब बताते हैं कि जो ये 1 मीटर का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह से है। ये है कि हमने एक प्लेटिनम इरिडियम की एक प्लेट ली है। ठीक है, एक क्या ली, रोड ली है प्लेटिनम इरिडियम की। उसमें हमने कोई भी 2 पॉइंट को हमने मार्क कर दिया है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको रखा जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, हमने क्या लिया, एक प्लेटिनम इरिडियम की कोई रोड ली है ना, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा और हमने उसके 2 पॉइंट के बीच मार्क कर दिया। ठीक है, और इस मार्क को हमने बोल दिया स्टैंडर्ड 1 मीटर। ये हमने नंबर ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करके उसको मतलब इसके इक्वल कैलिब्रेट करके और हमने बता दिया। ठीक है, ये हो गया आपका 1 मीटर का स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया यूनिट, नया चैप्टर शुरू करेंगे डिफ्रैक्शन का। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।